हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज का हमारा वीडियो होने वाला है फुटवेयर पर, जो मैंने ऑनलाइन परचेज़ किए हैं। कुछ फ्लिपकार्ट से है और कुछ मीशो से है। देखते हैं उनकी क्वालिटी कैसे आती है। और जिसने फिर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जो कि बिल्कुल फ्री है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको कौन सा आइटम अच्छा लगा। तो मेरे पास ये प्रोडक्ट्स हैं, वन बाय वन करके आपको दिखाती हूँ, और भी नीचे बड़े हैं। तो ये फर्स्ट है, मैंने फ्लिपकार्ट से लिया था, डिस्काउंट में मिला था कुछ मुझे ये। तो उस वक्त इसका प्राइस 300 था। प्राइसेस वगैरह सेल टाइम पे कुछ ऊपर नीचे होता रहता है। तो ये हमारा फर्स्ट आइटम है ग्रे कलर में। ये है मायरा कंपनी का और इसमें मेरा साइज़ है 39। और पीछे से सोल देखो कितना अच्छा टेक्सचर से वाला है, लाइनिंग सी की गई है। इसको मैंने अभी पेयर नहीं किया है, ये ऐसे ही पड़े हैं अभी मेरे पास। यहाँ पर बकल की डिटेलिंग दी गई है और साथ को मैं साथ में ना आपको मैं वीडियो लगा दूंगी कि पैरों में पहने हुए आप कैसा लुक आता है इसके साथ। फ्लैट है बिल्कुल और सॉफ्ट मटेरियल है, कुशनी है, ग्रे कलर है, ऑलमोस्ट सभी के साथ चला जाता है। एथनिक वियर के लिए काफ़ी अच्छा है। और जो बकल डिटेलिंग है इसमें गोल्डन रोज गोल्ड सा ये इसमें बकल लगाया गया है, अच्छे से स्टिक किया गया है, ये निकलेगा नहीं। यहाँ पर एक स्टोन लगाया बस, बाकी सारा सिंगल है। टो वाला पैटर्न है तो इसलिए मैंने इस मेरे पास था नहीं ये लुक, इसलिए मैंने इसको परचेज किया है। ये हमारा फर्स्ट था। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट, जो मैंने शॉपसी से लिया है, डैनिल कंपनी का है। इसी बॉक्स में आया था ये मुझे। ये हमारे है ब्लैक कलर के सैंडल्स। तो मैं एक आपको एक में समझाती हूँ पहले। ये ना इसका साइड में ये वाला पैटर्न है सिंगल, आपको वहाँ यहाँ पर स्ट्रैप मिलता है और पीछे से आप इसको थोड़ा सा एडजस्ट करके अपना पैर इसमें पहन लोगे। और इसके बाद जो ये मटेरियल है ना, ये भी काफ़ी कुशनी है, सॉफ्ट सा है ये देखो। और इसमें ये टेक्सचर्ड वाली हील है, मुझे टेक्सचर्ड वाली हील अच्छी लगती है, उसमें क्लासी सा लुक आता है और काफ़ी अच्छा लगता है, वो चीप सी क्वालिटी नहीं लगती हो। पीछे से भी देखो काफ़ी अच्छा लुक है ये। जब मैंने परचेज किया था इसका प्राइस 400 था, तो अभी सेल के टाइम आई थिंक 300 के करीब भी आपको ये मिल जाएगा। यहाँ पर भी ब्लैक है, ये भी ब्लैक है, तो यहाँ पर हमें ऑफ वाइट सोल्स इधर ये मिल जाता है हमें अंदर। काफ़ी अच्छी क्वालिटी है और आपको पहन कर दिखा दूंगी कि इसका लुक कैसे आता है। आप इसको वेस्टर्न और एथनिक दोनों के साथ पेयर कर सकते हैं, वेस्टर्न के साथ काफ़ी अच्छा लुक बनेगा इसका। नेक्स्ट जो हमने लिया है वो लिया है मीशो से, जीवन फुटवेयर करके लिखा हुआ है। और ये ऐसे ही आया था मुझे, ये देखो ये ऐसे ही आया था, यहाँ पे बिल लगा हुआ है। पैकेजिंग सिक्योर है, पैकेजिंग के बारे में आप बिल्कुल भी बेफिक्र रहें कि आपका प्रोडक्ट डैमेज हो जाएगा। अगर डैमेज हो भी जाता है कई बार, जैसे ज्वेलरी आइटम में डैमेज हो जाता है, तो हम उसको एक्सचेंज या रिटर्न कर सकते हैं। तो हमारा ये वाइट कलर में फुटवेयर है और काफ़ी अच्छा है। सिर्फ हाफ इंच की हमें इसमें हील मिलती है, ये भी अगेन कुशनी है, सॉफ्ट है, और इसकी भी हील और सोल काफ़ी अच्छा है। और इसमें आपको सिंगल स्ट्रैप मिलता है, स्ट्रैप पे आपको गोल्डन सी ये डिटेलिंग मिल जाती है ऐसे करके। यहाँ पर ये वी शेप के अकॉर्डिंग ही ये है सभी, काफी अच्छा है सोल मटेरियल। व्हाइट कलर में है, नीचे से ब्लैक है, तो क्लासी लुक देता है। आप इसको वेस्टर्न एंड एथनिक दोनों के साथ पेयर कर सकते हैं, इसका लुक भी आपको साथ में वीडियो में क्लियर हो जाएगा। तो नेक्स्ट है मेरे पास फ्लिप फ्लॉप्स है, जो मैंने शॉपसी से लिए हैं ये वाले। इसमें ना 1 इंच की हील है, मेरे से ज़्यादा फ्लैट पहने नहीं जाते वेट की वजह से, तो फिर पैरों में दर्द रहता है। तो आप कुछ हील हल्की हील वाला पहने तो मुझे कंफर्टेबल लगता है, आप भी ट्राई कर सकते हो। यहाँ से बस सिंगल पतला सा स्ट्रैप दिया हुआ है, आगे से हमारी वो चप्पल होती है घर में पहनने वाली, वही है, वही लुक है इसका। बस ये क्या है, इसमें 180 के अराउंड आपको ये मिल जाती है, 180-200 के बीच मुझे प्राइस इसका याद नहीं है, मैं साथ में लगा दूंगी, आप चेक कर लेना। तो ये है इसका मटेरियल, काफी अच्छा है, ये भी सॉफ्ट है, ये देखो ये वाइट और वाइन कलर सा शेड है, काफी अच्छी क्वालिटी का है ये भी। इसका तो लुक भी सिंपल है, वैसे आप अगर
आप नहीं पहनता है, घर घर पर पहन सकते हो, आप मार्केट वगैरह जा रहे हो तो अभी इसको पेयर कर सकते हो। नेक्स्ट और लास्ट हमारे पास है ये वाले सैंडल टैन कलर में, अगेन फ्लैट्स। आप इसकी क्वालिटी देखो पहले, इसमें यहाँ सोल में देखो, ये डॉट डॉट सा मटेरियल है, ये काफ़ी अच्छा है, काफ़ी काफ़ी कुछ नहीं है ये देखो। और ये डॉट वाला जो मटेरियल होता है ना, इसमें आपको स्वेट की प्रॉब्लम नहीं होती, एयरी सा कुशन है इसका। और ये इलास्टिक है, यहाँ पर पैटर्न है जो इसका, ये इलास्टिक वाला पैटर्न है, यहाँ से आप अपना पैर पहन सकते हैं और इसको एडजस्ट कर देते हैं। ये कोई हार्ड नहीं है, बिल्कुल सॉफ्ट सा है, और यहाँ पर भी आपको सॉफ्ट सा स्ट्रैप मिलता है। इसके ऊपर स्टोन वगैरह की यहाँ पर डिटेलिंग कर रखी है, जो काफ़ी अच्छी है। पीछे से सोल इसका भी अगेन लाइनिंग वाला है, स्लिपरी नहीं है, आप स्लिप नहीं होगे, तो काफ़ी अच्छी क्वालिटी का है। अगेन मेरा साइज 6 है और मैं 39 यूरो इसमें साइज है। इसका भी जो लुक है आपको साथ में क्लियर हो जाएगा ऐसे, तो काफ़ी अच्छी क्वालिटी का है, ये 500 के अराउंड है। हमारा आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमें हम ना मोटिवेट हो जाते हैं, हमें ऐसा लगता है कि हाँ किसी ने सब्सक्राइब कर लिया तो हम आगे भी वीडियो बनाने की कोशिश करते हैं। जब कोई सब्सक्राइब ही नहीं करता ना, फिर ऐसा लगता है हम फालतू की मेहनत कर रहे हैं, हमें तो कुछ करने की फिर ज़रूरत ही नहीं है, हम क्यों करें ना, हम थोड़ा लो सा फील करते हैं। तो अगर आप सब्सक्राइब कर दोगे तो हमें मोटिवेट मिलता है और हम नेक्स्ट वीडियो के लिए ना एक्साइटमेंट से हो जाते हैं, हमें चलो नेक्स्ट वीडियो बनाना है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, जो कि बिल्कुल फ्री है, आपका कुछ नहीं जाता, हमें मोटिवेट मिलता है, तो आप ज़रूर कर सकते हैं। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।